आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा हेल्दी आटे और गुड़ के बिस्किट्स, वो भी बिना ओवन के। आप देखिए कितने बढ़िया बिस्किट्स बनकर तैयार हुए हैं, एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में कहां दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से दुबई नवनीत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा हेल्दी और बहुत ही ज्यादा स्पेशल रेसिपी। हम बनाएंगे आज आटे और गुड़ के हेल्दी बिस्किट्स, वो भी बिना ओवन के। एकदम मार्केट की तरह दिखेंगे, लेकिन खाने में मार्केट के बिस्किट से भी है कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में और बनाते हैं आटे गुड़ के बिस्किट्स। हेल्दी आटे गुड़ के बिस्किट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 3/4 कप गुड़, 1/4 कप देसी घी, 1/4 कप दूध। इसे हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है, बस हमें इसमें गुड़ को ही मेल्ट करना था, वो हो गया है। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब हम एक बोल में 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। बिस्किट्स में क्रंच लाने के लिए, एक क्रिस्पीनेस लाने के लिए हम 1/4 कप सूजी का ऐड करेंगे। सूजी आप कोई भी ले सकते हो। बिस्किट्स को टेस्टी और थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कोकोनट का बुरादा, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो या हरी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़ जो हमने मेल्ट करके रखा है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम परफेक्ट मिश्रण बना है। आप भी यदि ये बिस्किट बनाएं तो आप भी इसी मेजरमेंट के हिसाब से ही सारी सामग्री डालें। इसे हमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है, बस हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिश्रण हमारा एकदम परफेक्ट तैयार है। हम बिना ओवन के ही बिस्किट्स बना रहे हैं, उसके लिए हम एक प्लेट को ग्रीस कर लेंगे घी के साथ। अब हम बिस्किट्स बना लेते हैं। आप कोई भी स्पून या किसी भी चीज की मेजरमेंट ले लीजिए ताकि बिस्किट्स इक्वल साइज के बने। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून लिया है। इसमें हम मिक्सचर को फिल कर लेंगे ऐसे। इससे बिस्किट्स सभी इक्वल साइज के बनेंगे। इक्वल पोर्शन हमने ले लिया है। इसे हम हल्का सा ऐसे हाथों के साथ राउंड कर लेंगे, ऊपर से हम इसे प्रेस कर देंगे। अगर आप ऊपर इसके कोई डिजाइन बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो, जैसे आप नाइफ या स्पून की हेल्प से ऐसे इसमें कट लगा सकते हो, या और कोई जो भी आपको डिजाइन पसंद हो आप वो बना सकते हो। थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल और बाजार जैसा बनाने के लिए हम इसके ऊपर एक काजू लगा देंगे ऐसे, और इसे हम प्रेस कर लेंगे।
ऐसे ही हम अपने सभी बिस्किट्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक प्लेट में हमने बिस्किट्स बनाकर सेट कर लिए हैं। चलिए अब हम इन्हें बेक करते हैं। हम बिस्किट्स को कढ़ाई में बेक कर रहे हैं, उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 कप नमक के डाल दिए हैं। ये नमक मैंने बहुत बार यूज किया है, इसलिए इसमें थोड़े खाने के पार्टिकल्स हैं। इसमें हम रख देते हैं स्टैंड और इसे कवर कर 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट कर लेते हैं। कढ़ाई प्रीहीट हो गई है, हम इसमें अब प्लेट सेट कर लेते हैं। आपने ध्यान से करनी है क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। इसे हम कवर कर 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक करेंगे। 20 मिनट हो गए हैं बेक करते हुए, हम चेक कर लेते हैं। देखिए कि बिस्किट्स पहले से फूल भी गए हैं और इनके कलर से पता चल रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया बेक हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और हल्का सा ठंडा होने देते हैं। रिमेनिंग बैच भी मैंने तैयार कर लिया है, इसे भी हम बेक कर लेते हैं सेम वही प्रोसीजर से। बहुत ही बढ़िया, एकदम परफेक्ट बिस्किट्स बेक हो गए हैं। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। आप देखिए नीचे से भी ये कितने बढ़िया बेक हुए हैं, एकदम क्रिस्पी हेल्दी गुड़ आटे के बिस्किट। अब हम कर लेते हैं इन्हें सर्व। बहुत ही ज्यादा मजे के, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग बिस्किट्स बनकर हो गए हैं तैयार, वो भी बिना शुगर और मैदे के इस्तेमाल के ही। एकदम मजे के, बहुत ही स्वादिष्ट, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बिस्किट्स बनकर हो गए हैं तैयार। और इसकी जो खुशबू है इतनी मजेदार आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कहीं ताजा गुड़ निकल रहा हो, उससे इसे खाने की क्रेविंग और भी बढ़ रही है। बहुत ही अमेजिंग, स्वादिष्ट, मजेदार बिस्किट्स बनकर हो गए हैं तैयार, वो भी बिना ओवन का इस्तेमाल किए ही। तो आप भी करिए इस बेहद टेस्टी बिस्किट्स को ट्राई एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल दिल से दुबई नवनीत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।